जीरा क्या बात है। उसकी क्या क्या प्राइस है? बर्गर 50 है, 90 वाला भी होता है। अच्छा, ये 50 बोले तो ये 90। अच्छा, ये सिंगल जो है 50 है और दोनों लेंगे तो। पुलाव जो हम जुम्मे की नमाज के बाद घर में एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो घरों में बना करते हैं पुलाव स्टैंडिंग उसी तरह। ये इसकी कोटिंग हो रही है, मसाला अच्छा डला हुआ है, अब फिर बिल्कुल और यहाँ पे जो कटाकट बन की भी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, देखनी है। और ये जो नूर कैफे में दाल की और तड़के सुनी है, ये ट्राई करते हैं। अभी तो हम एक जगह पे आए, मुल्ला निहार, ये सारी चीजें हमने देखनी है, फिर आगे की तरफ पूरी कुर्सी है तो वो भी कवर करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन ये कि हुसैनाबाद अनलाइक हुसैनाबाद वाली सिमिलैरिटी है, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी स्केटर्ड है और इतने आगे क्या हो। बिल्कुल चले भाई। कितने साल हो, आपका नाम क्या है? मेरा बुरा बुरा माशाल्लाह। बुरा कितने साल हो गए आपके? 25। 25 साल जी। 25 साल से एक ही जगह पे लगा बड़ा करम है दुआ भाइयों के पर माशाल्लाह। 25 साल है, ये खेला, ये क्लेज, ये बने हमारा एक नंबर। अच्छे लोग दोबारा भी आते मेरे दोस्त। और इसकी क्या क्या प्राइस है? बर्गर 50 है और 90 वाला भी होता है। अच्छा, ये 50 बोले तो ये 90। अच्छा, ये सिंगल जो है 50 है और दोनों लेंगे तो 90। जी जी, डिस्काउंट है दोनों। खत्म हो एक लगाए तो हम खत्म हो गया डायरेक्ट 100 रुपए का बर्गर। सही टाइम पे आ गए, 10 रुपए बढ़ेंगे, फिर घबराए नहीं ना आप लोगों ने। और स्टार्ट करो। ये मेरे भाई और ये इसके मसाले में लगा के एक अंदर भाई। अंदर मेरी बारी। कभी मेरे कैसा लगा तुम्हें? कलेजी बहुत पसंद है, मैं 2K के स्टॉक पे बहुत कदर सब किया। मेरे अगर ये चपाती के साथ होती ना और मजा आता। बन जो है ना उसका टेस्ट आ रहा है, बन दबा रहा है, मसाला बन जाता है बन में, और चपाती जो है वो उसका सही टेस्ट निकाली। वैसे ही हम कर सकते हैं कस्टम चपाती के साथ, ये खा रहे हैं उसके बाद फिश खाते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई हमारे साथ मौजूद है ये जो कलेजी है ना, यहाँ PIB की मशहूर, उसके ओनर है। आपका नाम कैसा? जमील। जमील भाई, कब से लगाया भाई आपने और क्या खासियत है? इसकी रेसिपी वेसिपी बता देना कि हम भी बनाते हैं। यार वो रेसिपी तो कोई खास नहीं है, मतलब जो आम इस्तेमाल में होता है वो है, बस थोड़ा तरीकेकार है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी ये कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने रोटी के जरिए बनाया हुआ है बस। हमने अभी आप पे एक टेस्ट किया है 90 रुपीज वाला, बहुत मजा आया। आप लोग चपाती भी साथ नहीं? वो हमारा बर्गर ही चलता था। कलेजी भी जो मैं बहुत छोटा था ना बचपन से, तो मैं 2K के स्टॉप पे सफेशन पे, आप जानते होंगे उसको, कलेजी वाला होता। अच्छा, वो बहुत खाता था। लाल का पे काला होता है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात होगी, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात भी होगी। अल्लाह ताला आपकी कारोबार में बरकत दे, हमें दुआ में याद रखिए। ज्यादा गलत है। कौन सी बना रहे हैं भाई? फिंगर फिश बनाओ भाई, जरा चले लगाएं।
हमारे हिसाब से बनाना जरा, क्योंकि अभी हमें और भी टेस्ट करना है भाई, कोई फूड स्वीट बढ़िया भी करनी है। मैंने तो टेस्ट यार फिलहाल फिश लगवा दिए तुमने भाई, देखो शादंग लग रही है मुझे, मजा आएगा। सीजन नहीं है फिश का? हाँ सीजन नहीं है, लेकिन जो ये देख रही है ना वो भी टेस्ट में टेस्ट कर रही है। तो बिलाल मुझे नहीं पता था तुम बचपन से कलेजी फोड़ते हो। अबे भाई मैं मंडी जाके कलेजी फोड़ता हूँ, तुम यहाँ की बात जब भी तुम लाल लाल लगते हो कभी कभी। लाल कब तो काला हो गया, वो तो हालात ने कर दिया ना, लेकिन कभी कभी लाल लाल शादी के बाद इंसान ऐसी हो जाता है। हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? फिश रेडी हो गई है, ग्रीन चटनी और नींबू के साथ गरम गरम, इसको ट्राई करें जरा, फिर हम प्रीव्यू भी करेंगे इसका। तो बहुत गर्म हो गई है, धुआं देख लो, ओहो हाथ में भी नहीं पकड़ा जा रहा। मैं खाता हूँ खाना ठंडा करके, हम तुम्हें पता ठंडा करके खाने में ना एक अलग लॉजिक है। क्या लॉजिक है? बुजुर्ग कहते हैं ठंडा करके खाए। इंडियंस खाते हैं ठंडा करके। ओहो हो स्पाइसी है, मजेदार। पिया है हमने फिश ना खाई हो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाला फिश में खा के देखू? हाँ बिलाल मैं ऐसी खाऊंगा चटनी, मुझे पसंद नहीं है। तुमने कलेजी तो बहुत खाई, आज मछली खाओ। मछली भी खाई है सर्दियों में, गरम बगैर चटनी के। हाँ बहुत गरम है। टेस्ट कैसा है, टेस्ट बताओ। गरम तो मुझे पता है बहुत हो रही है, कोटिंग क्रिस्पी है, क्रिस्पी कोटिंग हो रही है, मसाला अच्छा डला हुआ है, फिश बिल्कुल टेंडर है, तो इट्स गुड, अच्छी है भाई। मसाले का भी बड़ा गेम है। अब मैं चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। जबरदस्त। ऐसे आ गया तू? उस्ताद आवे नहीं देख। हाँ भाई जी सर, आप ये बताएं कि आपने अभी बताया था कि नई जगह आपने खोली है वो कहाँ है? ये आ गई है आपके सामने, देख तो नहीं आ गई। जगह जो आपने नहीं बताई थी वो कहाँ है? जगह ये पीछे नूर होटल से आगे तीसरी बिल्डिंग के नीचे, बिल्कुल इसी कॉर्नर पे है। हाँ कोने पे ही है, तीसरी बिल्डिंग के पास। जरा हमें एक प्लेट तो लगाए, मेरा बड़ा सुना इसके बारे में, तो खाके भी देखते लगा देते। वी आई पी सी ये लीजिए सर, आपकी लग रही है। बहुत कुछ खाना है तो एक पाव के राउंड है। चम्मच भी लाओ भाई, चम्मच भी लाओ, टाइट लग रही है भाई। आधा किलो आधा किलो सादे चावल लगा, टाइट आ रही है, गुड टाइट आ रही है। हाँ भाई भी हाँ जी, आधा किलो आप बोले सर, पार्सल है हाल में, तीन पाव हाल में लगाओ सर। ये पुलाव होता है, एक जैसा होता है, कहीं से भी लगा तीन पाव है, तीन पाव ये चलो मेरे से ट्राई करना। खुशबू टाइट आ रही है जो है ना यार, मेरी यही गर्म हो रहा है। लाओ मेरी वीकनेस है, चावल मेरी वीकनेस है, चावल जो है ना मैं सब्जी के ऊपर भी डाल के खा लेता हूँ। और ये देख रहे हो आप, ये जो मैंने निवाला पुलाव जो हम जुम्मे की नमाज के बाद घर में एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो घरों में बना करते हैं आउटस्टैंडिंग। उसी तरह ये इस्लाम भाई जो है पुलाव वाले सही मशहूर है। अच्छा ये इसमें प्याज भी डाल दिया भाई, ये वो नस्ली पुलाव वाला है साथ के साथ। आते जाओ और लगाते जाओ।
अच्छी लगी बहुत सॉलिड पुलाव पुलाव खाने तो आओ। जब हमारे साथ मौजूद हैं एक कस्टमर जो यहाँ पे बिरयानी हमारे साथ सॉरी पुलाव हमारे साथ खा रहे थे और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 3 पाव पुलाव मंड दिया नाम सुन के और इनकी हमने वीडियो वगैरह देखी तो मैं आया हूँ, मैं टेस्ट किया है, नो डाउट भाई मैं बोलता हूँ कि पूरे कराची के पुलाव खा लेकिन इनका पुलाव एंड है, नो डाउट मैंने भी खाया बहुत अच्छा पुलाव है। मैं बोलता हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर है इनको भी आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये भाई आपके साथ है, मुझे बहुत मजा आया तो मैंने पुलाव खाया इनका, खाते हुए स्टार्टिंग में मुंह चल गया, इनको बोलो थोड़ा ठंडा बनाए अगर ठंडा बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा, बाकी सब बहुत वीआईपी, नो डाउट यार बहुत अच्छा पुलाव, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों का। तो भाई मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ कहाँ लाइन में लग गए हो यार, इस सपोर्टेड हुकूमत ने ना हमें इन लाइनों में लगा दिया, गैस की टाइप यार बाकी गैस भी नहीं आ रही यार, मेहरोज ये कैफे नूर जो है ना, कैफे नूर जो है ना ये जो रेस्टोरेंट है इसकी ना दाल बहुत मशहूर है यार, इनकी दाल में मैंने सुना बड़ा फायर वायर मारता है, सुना है ट्राई करें क्या यार, लेकिन मेरा पेट इतना भर गया तो क्या ट्राई करें। ये कीमा बन रहा है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, कीमा और दाल भी दो है, ये इनकी बहुत मशहूर दाल है भाई, तो मैं रोज खाई लेते हैं, भगार डलने वाला है इनका डल रहा है और ये भगार आने वाला है, ये डला लहसुन जीरा बता दे सर हमारी टेबल पे लगा दो, मेहरोज हम यहाँ पी आई भी आए और तुम ये पट्टी के शौक है तुम्हारे, देखो ये आप अगर फुटबॉल गेम नहीं भाई आप गेम पे ध्यान लगाओ गोल हो जाएगा बंदा, अगर आप फुटबॉल गेम नहीं खेलेंगे बचपन की यादें नहीं लाएंगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा, ये देखिए गोल हो गया यार गोल हो गया यार। अच्छा मेहरोज ये वही जगह है जो बोल रहे थे ना इस्लाम भाई जो उन्होंने दुकान ली की फैमिली हॉल सिटिंग, ये तो और यहाँ पे और रश हो रहा है, लोग अंदर भी बैठे हैं बाहर भी बैठे हैं, राइट नेक्स्ट टू बाबा, चलो इसको जरा करीब से ज़ूम करते हैं, बहुत रश है भाई यार, बिलाल असलम भाई जो पुलाव वाले हैं उनका पुलाव हमने खाया भाई, ये तो घर का जो हमारा जो नस्ली घर में जो जुम्मे की नमाज के बाद जो पुलाव मंजिया तबारक और जितने भी आए खाने के लिए वो बाकी में अच्छा रिव्यू देखे गए, ऑनेस्ट रिव्यू देखे, ऑनेस्ट रिव्यू, और बाकी खाया आउटस्टैंडिंग, मतलब मैंने दीक्षा फैसल में खाया, स्नेलग्रम में खाया और मैंने ये खाया, नो डाउट अबाउट इट, बहुत टफ कॉम्पिटिशन, बिल्कुल तो मेरी सजेशन है कि मलकरम भी जाए, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, और बाकी कलेजी जो था वो बन वाज रियली नाइस, उसके से भी ड्रॉबैक ये था कि वो बन के चपाती के साथ बात के साथ हमें लगता है चपाती के साथ, बाकी फिश वाज गुड, अच्छी थी फिश, मजा आया फिश खा के भी, और ओवरऑल हम जो दाल तड़का दाल खाई है बहुत जबरदस्त थी, ऑसम। अच्छा हम लोग तकरीबन 25 से 30 मिनट हम लोगों ने यहाँ पर खाया पिया, हमने वीडियो बनाई, किसी 30 मिनट में ना माशाल्लाह से 10 किलो वाली दो देने उतर के चल गई माशाल्लाह, ऐसी बरकत दी हुई है और नो डाउट टेस्ट है, इसीलिए लोग दूर दूर तक और अभी एंड हो गई तीसरी चौथी आने वाली, जबरदस्त यार मेरी तरफ तो अच्छा लगा पीआईपी आके, और इतनी वैरायटी नहीं है जितनी हुसैनाबाद में, लेकिन अच्छी स्वीट है, ऑलमोस्ट सारी वैरायटी है यहाँ पे, हम आगे तक गए लेकिन आगे तक कोई खास नहीं था, आगे बाजी है और मुल्ला निहारी, निहारी का हमारा बिल्कुल मूड नहीं है सर, रमजान चल रहे बहुत देवी हो जाता है, तो एनी वेज आई होप यू लाइक द वीडियो और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट प्लीज, फिरते फिर इंशाल्लाह रमजान में कुछ दिन रह गए
ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको मजे मजे के खाने जैसे हम दिखाते हैं, आप भी मजे मजे से रिस्पॉन्स देते रहे हम लोगों को ताकि हमारी भी ईदी बने भाई। बिल्कुल भाई, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे आपको बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जल्दी।